प्रत्याशी अपने अपने मताधिकार, अपने हजारीबाग के प्रत्याशी जयंत सिन्हा भी लंबी कतार में लाइन में लगे और सभी एक दूसरे के साथ जाकर अपना। रामगढ़ से जब हमारी टीम हजारीबाग पहुंची तो वहां जयंत सिन्हा ने वोट दिया और कहा कि पेश है रिपोर्ट हमारे संवाददाता जग्गी के साथ विवेक की। जो 2014 में मोदी जी के प्रति लहर थी वो 2019 में एक सुनामी है। और आप देख रहे हैं अभी मतदान केंद्र में कितने जोश और उत्साह से यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 मई को वो सुनामी परिणामों में भी नज़र आएगी। क्या लगता है कि इस बार आप कितने अंतर से आप आगे आएंगे और कैसे आप देख रहे हैं? वो तो जनता बताएगी, हम लोग तो सिर्फ जनता की सेवा कर सकते हैं और अपने जो चुनावी अभियान के दरमियान जो हमारे संदेश हैं, जो हमारे संकल्प हैं, वो हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद जनता तय करेगी, यही हमारा लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक गुण है। अपने प्रतिद्वंदी को कहाँ आप देख रहे हैं? वो मेरे पिता तुल हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ और जनता तय करेगी कि उनको कितने वोट मिलते हैं। 400+ सीट लाने का दावा किया, क्या लगता है? बिल्कुल होने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि 2014 में जो लहर थी वो इस बार सुनामी है और जनता के जो बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विश्वास बन गया है वो अद्भुत, अटूट और अतुल्य विश्वास बन गया है। महागठबंधन को किस हिसाब से देखते हैं? वो तो मैंने प्रचार में कई बार समझाया है, सबको समझाया है। आप देखिएगा कि महागठबंधन का इसमें जो परिणाम आएगा 23 मई में, उसमें वो महागठबंधन नहीं, महाफ्लॉप शो नज़र आएगा।